केस में 3-4% का एरर जरूर मौजूद है और वो नेक टू नेक था। जो अमेरिकन्स हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें वो शख्स लीड करे जो जिसका ताल्लुक है वो कारोबार से। मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है वो ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप को पड़ा है। अभी 2 महीने जो है वो जो बाइडन अपना ऑफिस संभाल कर रखें और January 2025 से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने होते का हल्क। कमला हैरिस जो है वो ऑलरेडी एक वीक कैंडिडेट थी, ये बात तो जो बाइडन को भी बहुत अच्छे से अंदाजा था। डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडन आए, वहां पर भी डीप स्टेट्स का असर तो जरूर होता है। तो डीप स्टेट्स की मर्जी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप आ नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट रिश्मा शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे सोशल मीडिया हो या फिर पाकिस्तान का मीडिया हो, जो अमरीकी इंतखाबात हैं वो सही चर्चे में रहे हैं और अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं 51% से और कैमला हैरिस 47.5% उनकी आई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ राना हुसैन मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत तो गए हैं इलेक्शन, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी सूरत हाल है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उन पर डोनाल्ड ट्रंप के क्या तासुरात हो सकते हैं, क्या असरात आ सकते हैं और अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरीके से होंगे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हुसैन, एकदम से फ्लिप आया है कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के। हम देख रहे थे गुज़श्ता जब हमने एक पॉडकास्ट किया तो उसमें हम देख रहे थे कि कैमला हैरिस के पॉइंट ज़्यादा जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप पीछे थे, लेकिन एकदम से ये चेंज फ्लिप हुआ है, क्या वजह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए? देखें, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि जितने भी पोल्स हुए हैं ना, जो अमेरिका के अंदर हुए हैं, उस जिसने भी करवाए वो पोल्स, तो वो एक बात कर रहे थे कि इसमें 3-4% का एरर जरूर मौजूद है और वो नेक टू नेक था। उसमें कोई 0.5% किसी पोल में कैमला हैरिस जो है वो आगे थी, किसी पोल में वो पीछे थी, लेकिन पॉइंट इज दैट के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पॉपुलर तो थे अमेरिका के अंदर। तो ये एक आपको बता दूं कि जो जितने भी पोल्स चल रहे थे इलेक्शन से पहले, उसमें 5.5% अनडिसाइडेड थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो 5.5% डिसाइसिव थे बेसिकली। अब उन्होंने एक फैसला किया। और दूसरी अहम बात ये है इसमें कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये इलेक्शन क्यों जीत गए और बड़ी भारी अक्सर से जीते हैं, अच्छी लीड है उनकी। कमला हैरिस जो हैं वो उनसे इलेक्शन हार गई हैं और जो बाइडन की वो एक उम्मीदवार हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बेसिकली, एक तो उनकी पॉपुलैरिटी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनका एक नरेट था वो मकबूल होता है। और फिर जो बाइडन जो हैं वो उस तरह से अपनी इकॉनमी को लेकर नहीं चल पाए और उनके दौर में जैसे अमेरिका के अंदर मईशत जो है वो कमज़ोर भी हुई, महंगाई बढ़ गई थी, तो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स जो जिसकी वजह से अमेरिकन जो हैं वो चाह रहे थे कि जो बाइडन जो है। अच्छा, मुझे बताएं, आपको नहीं लगा कि कैमला हैरिस की ये जो शिकस्त हुई है, ये डेमोक्रेट्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, कुछ ऐसे उन्होंने अपने बनाए हुए थे रेगुलेशंस थी, उसकी वजह से हुई होगी? और अगर ऐसा है तो कौन सी वो ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने इनकी सियासत का जो वो एक पूरा पट्टा बिठा दिया? देखें, अमेरिका में जो बढ़ती हुई महंगाई थी एक रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न ये थी कि जो गैस की कीमतें और फिर वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता चला गया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कारोबारी शख्सियत है, वो खुद को एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर जो है वो पेश करते हैं। तो जो अमेरिकन्स हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें वो शख्स लीड करे जो जिसका ताल्लुक है वो कारोबार से। ठीक है, जो बाइडन ने जब अपना ऑफिस संभाला था तो एक ही चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान के जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फ़ोन कॉल करेंगे, तो वो नहीं हो सकी थी। तो उनके दौर में जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी जो है वो इफ़ेक्ट हुई थी। जैसे आप मिडल ईस्ट की बात कर लें तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी जो है वो हमें सब कुछ देखने को मिला। ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें जो बाइडन के दौर में, जो बाइडन ने खुल्लम खुल्ला इसराइल की जो है वो मदद का ऐलान किया था, तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम थी। और मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है वो ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप को पड़ा है। लेकिन अगर आप पोल्स को देखते हैं ना, जो बड़े बड़े जरीदों ने पोल्स किए, तो उसमें भी हमें देखने को मिल रहा था कि जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो दही इलाकों में ज़्यादा मकबूल थी और जो बाइडन की जो रिपब्लिकन है कमला हैरिस हैं वो शहरी इलाकों में ज़्यादा मकबूल थी। लेकिन ये बड़ा अपसेट देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने आप इस तरह से कह लें कि वाइट वॉश कर दी है। और ये इलेक्ट्रो पाकिस्तान की तरह उनकी इलेक्शन नहीं होते, इलेक्ट्रो कॉलेज होता है, 270 आते हैं, 270 या उससे अबव जो है आपने इसको उस फिगर को अचीव करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अचीव कर लिया, नाउ ही विल बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। अभी 2 महीने जो है वो जो बाइडन अपना ऑफिस संभाल कर रखेंगे और January 2025 से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने होते का हल्फ उठाए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने बात की कि मुस्लिम वोट्स इस दफा ज्यादा पड़े हैं और वो एक बड़ा एक अनसर्टेन सी चीज आई है, तो क्या वजूहत आपको लग रही हैं कि मुस्लिम वोट्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इनके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुस्लिम वोट्स बहुत पड़े हैं? यही शायद डिसाइसिव वोट्स के हवाले से आप बात कर रहे थे, यही तो नहीं थे वो लोग?
पहला जवाब इसका ही मैं आपको इस तरह से दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुसलमानों को जो वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें काफ़ी जो कारोबार को वहाँ पर फ़रोग मिला, उनको नए मुलाजमत के मौके वहाँ पर दिए गए। और फिर जो बाइडन के दौर में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो ये समझ रही थी कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनकी जो फलाह बहुत के काम है उस पर कम तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, और जो नौजवान वोटर था, अगर आप पोल्स उठाकर देखते हैं इंटरनेशनल मीडियाज़ के, तो उसमें पता चलता है कि जो नौजवान वोटर था वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था कमला हैरिस की तरफ। लेकिन अचानक से एक शिफ्ट आता है और वो वोटर भी अट्रैक्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक उनका एक उनकी जो पॉलिसी है वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है। पहले अमेरिका का नारा वो लगाते हैं कि मेरे लिए पहले अमेरिका, तो अमेरिका वो उनकी मईशत के लिए बहुत अहम है और बिल्कुल उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अहम है, और ये इम्पैक्ट डालेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डेफिनेटली पॉलिसी जो है वो तो शिफ्ट होगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी आम है कि डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडन आए, वहाँ पर भी डीप स्टेट्स का असर तो ज़रूर डीप होता है। स्टेट्स तो का डीप असर स्टेट्स जरूर की होता मर्जी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप आ नहीं सकते, तो ये भी एक ठीक। पॉइंट जो है बड़ा अहम है। अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे आप बताइएगा कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, तो पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी भी ज्यादा हो चुकी है और डेमोक्रेटिक हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया ये जो बाइडन की उनकी पार्टी को, ऐसा इसकी है कुछ? ये शॉर्ट लिस्ट का जवाब ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडन की अपनी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर इतने मुखालफत पैदा हो गई है जिसकी वजह से एक तो वो सदारती उम्मीदवार भी नहीं रहे और ठीक कमला है हैरिस को भी आना पड़ा। और आप ये देखें कि जब आपने एक सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आना होता है तो पार्टी के अंदर भी वोटिंग होती है, तो ठीक कमला है। हैरिस को खड़ा करना पड़ा है और उसके मुकाबले में फिर कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे उधर बताइएगा, कमला हैरिस जो है वो ऑलरेडी एक वीक कैंडिडेट थी, ये बात तो जो बाइडेन को भी बहुत अच्छे से अंदाजा था, तो और कैंडिडेट्स भी तो थे ना, फिर इनको खड़ा उनके करने की वजह उनके क्या थी? मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं। अब देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि डेमोक्रेट्स के, अब जाहिर है, अब लेट्स सपोज कमला हैरिस जो है वो US प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती हैं, अपनी एक पार्टी को वो रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि मैं जो है वो सदारती उम्मीदवार हूँ, तो कमला हैरिस जो है वो फिर उसके मुकाबले में होता है कि डेमोक्रेट्स के अंदर एक पार्टी के अंदर फिर मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामजदगी जो वो जमा करवाते हैं। आपको अगर बिल्कुल मैं, ऐसे ही हाँ, हमारे इलेक्शंस अब में कमला होता हैरिस जो है उनके मुकाबले में किसी पार्टी के किसी उम्मीदवार ने वो खड़े नहीं हुए, फिर है। पार्टी उनको ओके वोट देती है कि चले जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होगी फिर वो जो है वो सदारती उम्मीदवार होगा, तो कमला ठीक। हैरिस के मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर वो जनाब मेन सारी मुद्दे पे चीज़ें। आते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर ट्रंप किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि वो जीत चुके हैं और 2025 जनवरी में वो अपना ओहदा भी संभाल लेंगे। तो ठीक आपको है, क्या लगता है कि ओहदा संभालने के बाद उनके इंतखाबी वादे जो हैं वो पिछली मुद्दत के मुकाबले में किस तरह से तब्दील हो सकते हैं? देखें सबसे पहले तो आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो जब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी है और 2023 में पाकिस्तान में 6 बिलियन डॉलर की बरामदात हमने अमेरिका में की है, हम उनको लेदर देते हैं, हम उनको चावल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अमेरिका में जाती हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, तो अगर इनकी फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी रहती है तो शायद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी महाज पर हमारी जो अमेरिकी मंडी है वहाँ तक रसाई कम हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब की बात जो उनकी पॉलिसी है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, हम सरमायाकारी बढ़ाएंगे, और फिर थर्ड थिंग इज़ दैट के अब यहाँ पर एक और रोना जो है वो रोया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी उनके लिए भी नरमी कोई शायद बढ़ती उन हाँ जाएगी। वो भी शायद जेल से बाहर आ जाएं। तो ये एक बड़ा आम सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सवाल पे मैं बिल्कुल आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे पूछूंगी कि मुझे बताएं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ ताल्लुक आते हैं, आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद मजीद बेहतर हो सकेंगे, या फिर अभी जो जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करता है, प्रेशर डालने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि वो मामला थोड़े बेहतर हो पाएंगे ट्रंप के बाद? देखिए सुपर पावर है और हमेशा से बादशाह जो है ना उसका एटीट्यूड ही बड़ा तब्दील रहता है अपने लोगों के साथ। अब पाकिस्तान, हम कभी भी अपने मुल्क के अंदर अमेरिका को उस तरह से जो है प्रोवोक करने की कोई नहीं इजाज़त देंगे कि आप आएँ और हमारी जुडिशरी के अंदर या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कामों में या आप हमारी हुकूमत के कामों में आकर मुदाखलत करें। हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं पाकिस्तान, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम भी वहाँ पर जाकर जो है वो सरमायाकारी करें, अमेरिका भी यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें, बराबरी के सतह के ऊपर ताल्लुकात हों। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि शायद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो अब उनकी जो उनका स्लोगन है जो उनकी पॉलिसी है तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो शायद किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि वो इस वक्त शायद
हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा, वो ये बड़ा कोशिश एक नहीं क्लियर करें, पैगाम भी वो हमारे प्रवोक, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वो दे हमारी दिया इस्टेब्लिशमेंट को प्रवोक नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब फौज इतनी ताकतवर है हमारे मुल्क की, तो हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। डिक्टेट नहीं आप कर बात कर सकते। सकते हैं, आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि अब उनकी पॉलिसीज किस जानिब जाती हैं, तो फिर ठीक ये आने है वाले वक्त के अंदर ही मजीद क्लियर होती चली ठीक। जाएंगी। अच्छा उधर मुझे बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आज स्पीच हुई है, विक्ट्री स्पीच, उन्होंने बड़ा क्लियरली पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 20 लाख यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी और बहुत से और भी मुल्कों के लोग शामिल हैं, उनको डिपोर्ट फौरन किया जाएगा। अब अगर देखें तो इज़ इट पॉसिबल कि इतनी बड़ी तादाद को आप डिपोर्ट कर सकते हैं, या सिर्फ ये एक उन्होंने बात की है? और एक और इसमें चीज़ मुझे आपने बताएं, मुझे ऐड कीजिएगा कि अगर वो ये पॉलिसी बना रहे हैं डिपोर्ट वाली, तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन और इन पॉलिसी पे भी वो सख्ती बरतेंगे? देखें, ट्रंप जब पिछली बार भी आए थे, तो उनके दौर में जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी वो सख्त थी, ठीक है। लेकिन अब की बार जो शिफ्ट है इनकी पॉलिसी के अंदर, उनको नज़र आया, अब जो नौजवानों ने उनको वोट दिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है, वो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है। अब मैं उनका एक स्लोगन और उनकी जो पॉलिसी जो उन्होंने बताई कि मैं ये काम करूंगा, मैं अपनी इकानमी को बेहतर करूंगा, मैं प्राइस कंट्रोल करूंगा, मैं इन्फ्लेशन रेट को ख़त्म करूंगा, मैं इमिग्रेशन पॉलिसीज जो हैं उनमें नरमी बरतूंगा। अब आप जब इसको देखते हैं, फिर आप उनकी एक पोलिटिकल स्पीच को उठाकर देखते हैं, उसमें 180 का शिफ्ट है। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, इन लोगों को डिपोर्ट कर दूंगा जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर चलिए, वो रह रहे उनका हैं। एक अपना फैसला हो सकता है अमेरिका का, लेकिन आप उसमें ये देखें कि जब इतनी लाखों की तादाद जो है, जो उनके साथ जुड़ी हुई है, उनको एक लेबर मिली हुई है, उनको उनकी मैशियत के ऊपर अचानक से वो शायद इतना बोझ नहीं उठा सकते। वैसे तो वो सुपर पावर हैं, लेकिन सुपर पावर भी इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते कि वो अचानक से इन लोगों को डिपोर्ट कर दें। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है वो बनाएंगे भी, और 2025 में जाकर ही ज़ाहिर है जब वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे और अपनी वो एक काबीना बनाएंगे, फिर उसके बाद जाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना ऑफिस संभालते हैं। तो उसके बाद मज़ीद ये चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा ठीक ये कि है वो डीपोर्ट कर देंगे। एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, पॉपुलरिटी, आपको पता है कि उनके बहुत से ऐसे बयानात हैं जो उन्होंने पॉलिटिकली तौर पर दिए हैं, लेकिन उस पर पूरा नहीं उतरे। तो पॉलिटिकल ठीक। स्टंट ज़रूर हो सकता है, वो अपने लोगों को अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल फैसला नज़र आ रहा है इस ओके वक्त। अच्छा सियासत के हवाले से अगर हम बात कर लें, तो जिस तरह आपसे पहले भी बात की कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो मुझे लग रहा है कि आज ईद मना रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और उनके आने से जो है वो इमरान खान को जेल से रिहाई मिल जाएगी। ये बड़ा आसान हो जाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अनऑफिशियली तौर पे या ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अबूजी हैं। अब मुझे आप बताएं कि क्या लगता है आपको कि इज़ इट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और इमरान खान के ये केसेस हो गए या जितने भी उन्होंने अनार्की फैला के रखी हुई है पाकिस्तान में, ये तमाम चीज़ें उनके केसेस छूट जाएंगे या इमरान खान जो है वो बाइज्जत बरी होकर जेल से बाहर आके दोबारा वो काम शुरू देखिए, कर मैं ये तो देंगे? नहीं कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के अबू जी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह दूंगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में एक इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, एक तब्दीली तो ज़रूर आएगी। इस पर बहुत सारे बयान और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हम कभी नहीं चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने से, अगर आप ये समझते हैं कि खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, वो अपनी सज़ा भुगत रहा है, ठीक है। जब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठकर अपनी सज़ा भुगत रहा हो, उसके ऊपर जेल में ट्रायल चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल चल रहा है, तो शक्काना 2 केस उसके ऊपर है, उसके ऊपर इद्दत निकाह केस, चलें वो उड़ गया, लेकिन उसके ऊपर भी चलें अभी बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, 9 मई के केसेज हैं, अपने इदारों पर हमलावर होने के केसेज हैं। जब इस तरह के केसेज एक चल रहे हों, संगीन नौत केसेज चल रहे हों, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि आप जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म को रिहा कर दें? ये तो हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर प्रोवोक करने वाली बात हुई, ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट करने वाली बात हुई। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी डिक्टेशन लेगी? ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बात बता दूँ कि जो लॉरा ट्रंप हैं वो इमरान खान को शायद लाइक ज़रूर करती हैं, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप जो है वो इसराइली लॉबी को बहुत पसंद हैं, और ट्रंप के आने के बाद जो है वो ज़ाहिर है इसराइली लॉबी और अमरीकी जो बरतानवी लॉबी है वो ज़रूर एक्टिव होगी, और वो अमेरिका को जिस तरह से पहले ख़त लिखे जा रहे थे, अमेरिकी कांग्रेस को, फिर जो बाइडन को भी ख़त लिखे गए कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी तरह का दबाव डाल कर ये कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाले कि वो खान साहब को रिहा करें। तो आपको लगता लेकिन हमारी जो रियासत है ना, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है है
कि हम जो हैं वो सरेंडर नहीं करेंगे। और याद रखिएगा कि रियासतें जो हैं वो कभी सरेंडर नहीं किया करती हैं, और इमरान खान जो हैं उनके आगे सरेंडर करना बनता ही नहीं है। कि जिस तरह से उनके ऊपर संगीन नौकरी के केसेस चल रहे हैं, जब तक उनका ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, जब तक उनकी सज़ा मुकम्मल नहीं होगी, तब तक उनको जो है वो इस केसेस से रिहा नहीं किया ठीक जाएगा। है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कि बरतानवी हुकूमत या फिर वो बरतानवी लॉबी और इसराइली लॉबी जो है वो ट्रंप के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल सकती है, आपको लगता है कि वो प्रेशर ट्रंप ले के हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक क्लियर पैगाम दे चुकी है सबको कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी सरेंडर नहीं करेगी, या हमारी दिफाई दारी कहीं भी रियासत सरेंडर नहीं करेगी, आपको क्या लगता है कि ट्रंप के आगे या ट्रंप इस चीज़ का प्रेशर लेके हमारे दिफाई इदारों के साथ, हमारे स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात खराब करेगा? देखें, पाकिस्तान की वसीतर मफाद में आर्मी चीफ साहब को 2 साल की मजीद उनकी मदद में तोसी की है, तीनों सर्विसेज चीफ्स के लिए। तो इट मीन्स के कंपनी तो यही चलेगी, ठीक है। अगर आर्मी चीफ जनरल आसिमी साहब को जो एक्सटेंशन मिली है, उन्होंने ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ की धज्जियाँ उड़ा कर रखती हैं, उसको नुकसान पहुँचाया है, तो एक मैसेज यहाँ पर आप लगा लें इसको। और जब आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि अगर बरतानवी लॉबी और फिर डॉलर देकर अमेरिका को या फिर दीगर जनाब इन्होंने मीडिया आउटलेट्स को डॉलर देकर जो आर्टिकल्स लिखवाए खान के हक में, 150 के करीब जो आर्टिकल्स बनते हैं, तो उससे अगर उससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने नहीं टेके, तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हमारी इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक देगी और एक इमरान खान को आप जेल से बाहर निकाल सकेंगे? तो ये मेरा मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत असाब की मालिक है, और उनको पता है कि हमने किस तरह से किस चीज़ को देख कर चलना है। और एक चीज़ बड़ी वाजह है कि हमारे TGISPR बार बार ये बात कर चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ए पोलिटिकल है। तो वो कहते हैं कि जाएं आप अदालतों में अपना केस लेकर जाएं, आपका हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आपका सेशन अदालत में केस चल रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, यू कैन गो देयर। डोनाल्ड ट्रंप के आपको क्या लगता है कि दफाई इदारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे या वो फिर बैकस्टेप होने की कोशिश करेंगे? देखें, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कबल इस वक्त तो हम इसके ऊपर कोई तजिया नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है वो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उनकी हमारे फौज के साथ किस तरह से होते हैं, लेकिन वो टक्कर नहीं ले सकेगा। कट इन शॉर्ट, अगर हम अपने पॉडकास्ट और अपने प्रोग्राम को कट इन शॉर्ट पे जाए, तो आपको इन शॉर्ट क्या लगता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, हो जाएंगे अमेरिका के साथ मजीद? होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। हम अच्छे की उम्मीद तो रखे हुए हैं कि, और उनकी जो अगर देखें, अगर नौजवान वोटर, अकलीतों का वोटर, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट अगर डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाता है, और जो जिस तरह से गया है, तो उनकी ये पॉलिसीज़ बता रही हैं कि वो शायद इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं उनको बेहतर करें, मुसलमानों के लिए हक में बेहतर हों, और मशरक़ वुस्ता के अगर आप पॉलिसीज़ देखते हैं, तो वहाँ से भी इन्होंने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ किया था ट्रंप के दौर में, अफगानिस्तान से ट्रूप्स जो हैं उनकी विड्रॉ होती हैं। तो देखते हैं कि जो, हाँ, एक चीज़ बड़ी अहम है कि इनके दौर में जो दिफाई इमदाद थी मुख्तलिफ ममालिक की, उनमें कमी आई थी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है कि दिफाई इमदाद जो है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन आप ये आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें जो है वो चलती रहती है, लेकिन हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी अगर आज एक पटरी पर आ गई है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और हमने हमारे वज़ीर आज़म ने भी बरतानवी इन्वेस्टर से मुलाकातें करना शुरू कर दी कि आप आए हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो सेम एज इट इज़ केस विद अमेरिका, कि हम उनको भी कन्विंस करें कि आए हमारे मुल्क में आकर सरमाकारी करें। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती पाकिस्तान हैं। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है या नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का आना? कोई खुशखबरी नहीं, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खान साहब के जो है वो फूफी के बेटे तो नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखें, जेरेड कुशनर और लॉरा ट्रंप जो है वो खान के करीब हैं, और जुल्फी बुखारी जो है वो इनका बिजनेस पार्टनर भी है। तो दबाव जरूर डाला जा सकता है, लेकिन खान के लिए खुशखबरी है तो ये मैं नहीं समझता खान साहब के लिए खुशखबरी है। ये पहले भी कहा जाता था कि ट्रंप मेरा दोस्त है और जो बाइडन हमारा दुश्मन है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इनका एक दोस्त हो गया, एक दुश्मन हो गया। पॉलिसीज़ किसने बनानी है? डीप स्टेट्स ने बनानी है। ये एक पपेट्स और फेसेस आ गए हैं, तो पॉलिसीज़ ने तो ऊपर से आना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप के आने से पॉलिसी शिफ्ट हो जाएगी, जो बाइडन के आने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप ये कह लें कि खान जेल से आ जाएगा, तो फिर आप हमें मिसाइल को नहीं मार रहे देते अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बरतानिया में? आप हमारा एक इतना बड़ा गद्दार जो है बरतानिया में बैठा हुआ है, हमारा इतना बड़ा गद्दार आदिल राजा वहाँ पर बैठा हुआ है, फिर आप हमें भी वो दे दें, हम फिर खान साहब को छोड़ देंगे? वन बाय वन ना, मतलब कि अगर हम आपके हम सदीकी आपके सुन रहे तो आप भी हमारे आपके सदीकी दे दें, फिर हम भी खान साहब को छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच उजैर, आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट इस्मा शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।